हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री टाइम विद जीना। और मैं हूँ जीना। आज मैं परवल की एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ। परवल जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं थे बचपन में, पर अब मैं बहुत सारा खाती हूँ। और जो जिन जिन लोगों को परवल पसंद नहीं है, वो लोग प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना, उंगली चाटते रह जाओगे। और हमारा जो बंगाली लोग है ना, उसका बस पटोल भाजा, पटोल झोल, ये खाते खाते ये लोग बोर हो चुके हो, मुझे पता है। तो ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक भी देना कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसके लिए हमें परवल लेना है, उसको मैंने छिलके निकाल लिया और सीड्स भी इसके अंदर से मैंने निकाल लिया है। और ये जो सीड्स है, मैं बाद में इसे यूज़ करने वाली हूँ। और मैंने ले लिया चना का जो दाल होता है, वो करीबन 6-7 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। और इसका मैं अभी पेस्ट करने वाली हूँ। सॉलर डन। अभी मैं गैस पर पैन को बिठा दिया और इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देना। तो थोड़ी देर के लिए अभी ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ रहे हैं हम। और ये गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ जीरा। सो मैंने इसके अंदर जीरा डाल दिया। और मैं अभी डालने वाली हूँ प्याज और टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ले लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया मैंने। और एक बड़ा वाला टमाटो लिया था मैंने, और टमाटो का हाफ पोर्शन मैं अभी डाल रही हूँ, हाफ पोर्शन मैं बाद में डालूँगी। तो ये मैंने डाल दिया और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। तो ये फ्राई हो चुका है। मैं अब इसमें डालने वाली हूँ नमक। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देना। अरे 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 मेरे पति देव, प्लीज़ 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 कैमरा मत खिलाओ। अभी हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया। और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें अदरक पेस्ट। 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डाल देना इसके अंदर। और उसके बाद थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ। अब अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ सबको। और इसमें अभी पानी मत डालना, क्योंकि हमें जो दाल का जो पेस्ट है वो डालना है इसके अंदर। सो उसमें थोड़ा पानी तो रहेगा ही। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ दाल का जो पेस्ट है वो। तो मैंने डाल दिया, अभी इसको अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। तो दाल को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमें पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि दाल का जो रॉ टेस्ट है वो चला जाए। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके छोड़ने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी दाल जो है ये आधा पक चुका है। मैं अब इस स्टेज पे इसके अंदर डालने वाली हूँ परवल के जो सीड्स थे, मैंने उसको पेस्ट कर लिया था तो वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और डाल रही हूँ मैं काजू और किशमिश।
आपके पास अगर नारियल हो तो आप ऐड कर सकते हो इसमें, मेरे पास फिलहाल नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ। और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना। तो ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है दाल, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये परवल जो है इसके अंदर ये दाल का स्टफिंग डाल रही हूँ, जितना हो सके उतना ठूस ठूस के भर देना इसके अंदर, और जितना जाएगा खाने में भी उतना अच्छा आएगा। वाओ, मुझे तो बस ये दाल ही खाने का मन कर रहा है। तो इस तरह से अंदर स्टफिंग डाल देना। और ये माथे का जो पोर्शन है ये अटका देना और टूथपिक से लॉक कर देना, बस इस तरह से बना लेना। और फाइनली मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैं अब इसमें डालने वाली हूँ फिर से मस्टर्ड ऑयल, और थोड़ी देर के लिए ये जो तेल है इसको गर्म होने के लिए मैं अभी छोड़ रही हूँ। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें एक एक करके परवल डाल रही हूँ। ये परवल को थोड़ी देर के लिए बस फ्राई होने के लिए छोड़ देना। तो मैंने सारा परवल डाल दिया इसके अंदर और मैं इसे ढक के छोड़ रही हूँ फ्राई होने के लिए। तो परवल जो है वो फ्राई हो चुका है अच्छे से और मैंने कढ़ाई से निकाल भी लिया। अभी कढ़ाई में फिर से मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून ही इनाफ है। और कढ़ाई गर्म है इसलिए तेल भी जल्दी से गर्म हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन और बाकी का जो टमाटो का पोर्शन था वो मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देना। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ इसे। ये फ्राई हो चुका है, मैं अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। अरे फिर से कैमरा क्यों हिला रहे हो? अब मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून और मैं इसमें अभी थोड़ा ही शुगर डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हमें शुगर की ज़रूरत पड़ेगी शायद। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूँ, बस उतना ही पानी ऐड करना जितना ये मसाले को पकाने के लिए ज़रूरत होता है, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं मसाले को अच्छे से पकाने वाली हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रही हूँ ये मसाले
पक जाए। ये मसाला पक चुका है, अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ दही, जो कि मैंने आगे से फेंट लिया था। और दही जब डालना तब ना जो फ्लेम है वो आइदर ऑफ कर देना और लो में रखना, ये दही कट ना जाए। तो अच्छे से दही को मैंने मिक्स कर रही हूँ इसके साथ। ये दही जो है ये मिल चुका है मसाले के साथ। अभी मैं फिर से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने वाली हूँ। पानी जो है वो अपने अपने हिसाब से डालना, कितना ग्रेवी आपको पसंद है उसके हिसाब से। पहले थोड़ा डालना और मिक्स कर लेना अच्छे से, और उसके बाद फिर से और थोड़ा डाल देना। और मैं अभी फ्लेम को मीडियम पे कर रही हूँ, ये लो पे था। और फिर से मैं थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मिला रही हूँ अच्छे से, और थोड़ा ऐड कर रही हूँ। हमें इसको राइस के साथ खाना है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड कर दिया। तो अभी मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये मसाला जो है ये पक चुका है, और क्योंकि हम लोगों ने खट्टा दही लिया था तो खट्टा दही के जो टेस्ट है वो सबको पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर अभी थोड़ा शुगर डाल रही हूँ ताकि जो टेस्ट है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और लास्ट में मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक एक करके परवल। अरे छेंका खिला। तो मैंने इसके अंदर सारा परवल डाल दिया, और थोड़ा थोड़ा करके जो ग्रेवी है इसके ऊपर से डाल देना। तो ये हो गया है, तो मैं अभी इसको लास्ट में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो फाइनली ये अभी हो चुका है, और वाओ क्या स्मेल आ रहा है इससे। सो मैं इस ग्रेवी को रख रही हूँ अभी, और ये रेसिपी बनके तैयार हो गया है। तो मैं अभी गैस को ऑफ कर रही हूँ। ये मछली फ्राई हो रहा है, इसे भी लेना है पति को। तो ये रेसिपी कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर देना और एक लाइक भी कर देना। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज़रूर मुझे ये बना के बताना कि कैसा लगा मेरा ये रेसिपी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।